हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 18 सितंबर 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो का। अगर आप लोगों ने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी प्लीज़ इस चैनल को शेयर भी कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। और आज का पहला सवाल जानने से पहले, आप लोग अगर अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिएगा, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिएगा और मेरी सभी क्लासेस को फ्री में देखने के लिए आप लोग स्टार आईक्यू के नाम से अनलॉक कोड है, इस कोड का इस्तेमाल भी कीजिएगा जिससे आप लोगों को 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग। और कल आपसे सवाल किया था उसका सही जवाब क्या होगा। पीएम कुसुम योजना के तहत हरियाणा को वर्ष 2021-22 के लिए कुल 520 करोड़ की लागत से कितने पंप स्थापित करने का लक्ष्य दिया गया था। तो हरियाणा को टोटल 15,000 पंप स्थापित करने का लक्ष्य दिया गया था, यानी कि सवाल का डी वाला ऑप्शन हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसे सैल्यूट हरियाणा कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सम्मानित किया है और किसे सम्मानित किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी बन सकता है हमारे पेपर के लिए। तो सैल्यूट हरियाणा कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सम्मानित किया है, इनका नाम है महरूफ अली, यानी कि सवाल का सी वाला ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आपको जो फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है महरूफ अली, और महरूफ अली जो है ना इनको बेसिकली चंडीगढ़ के अंदर एक आयोजित हुआ था कार्यक्रम सैल्यूट हरियाणा कार्यक्रम, यहाँ जो है ना मुख्यमंत्री जी ने इन्हें सम्मानित किया। और किस लिए किया, लूट डकैती हत्या स्नैचिंग ये जो मामले हैं इनको सुलझाने के लिए, कोरोना काल में इन्होंने अपने अहम तरीके की ड्यूटी निभाई और इसी करके जो है ना इनको सम्मानित किया है रिसेंटली, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल क्या होगा, हरियाणा में जल संरक्षण अभियान का गुडविल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हरियाणा के अंदर जल संरक्षण अभियान का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है मनिका शोकंद को, यानी कि सवाल का ए वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। फेमिना मिस इंडिया अवार्ड इनको ही मिला और ये हरियाणा के अंदर वर्तमान के अंदर जो मेरा पानी मेरी विरासत योजना है उसकी भी ब्रांड एम्बेसडर है, और के साथ ही जल संरक्षण मतलब हरियाणा के अंदर जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम करेगी मनिका शोकंद, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और मनिका शोकंद हरियाणा के जींद जिले के उचाना कला की रहने वाली है, इस बात को भी आप लोग यहां से याद रखिएगा, इन्हें शुभकामनाएं भाई, ठीक है। अगला सवाल हमारा क्या होने वाला है कि हरियाणा में हाल ही में वैक्सीन का कितना आंकड़ा पार हुआ है। तो हरियाणा के अंदर एक गजब का आंकड़ा पार हुआ है जो कि भारत के किसी भी राज्य में ऐसा नहीं हुआ, एक दिन में 2 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार हो गया, यानी कि इस सवाल का बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है ना। मतलब क्या है कि नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर टीकाकरण का एक नया रिकॉर्ड बना, एक ही दिन में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। ये हरियाणा की माई गवर्नमेंट माई सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पे डेटा दिया है इन्होंने, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों को यहाँ से याद रख लेनी है, और सिंपल सवाल है, बस आपको एक मन में कहीं ना कहीं ये सवाल आ जाए इंक्लूड हो जाए तो आप लोग इतनी बात को याद कर सकते हैं। और एक साथ में अगला सवाल आपका क्या कहता है कि हरियाणा में गुलाब की खेती के लिए कितने रुपए प्रति एकड़ अनुदान दिया जा रहा है। अगर कोई गुलाब की खेती करता है तो हरियाणा के अंदर प्रति एकड़ अनुदान दिया जा रहा है 10,000 रुपए, यानी कि सवाल का सी वाला ऑप्शन हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर हरियाणा में कोई गेंदी की खेती करता है तो देखो टोटल लागत आती है 16,000 रुपए और अनुदान दिया जाता है 4,000 रुपए प्रति एकड़, और ये अधिकतम अनुदान 5 एकड़ तक का ही है। अगर कोई गुलाब की खेती करता है तो लागत आती है 40,000 रुपये एक किले की, और जिसमें 10,000 रुपये जो है प्रति एकड़ अनुदान दिया जाता है, अधिकतम होगा ये कितना 5 एकड़ का। अच्छा आपको याद है मैं आपको रेगुलर कुछ ना कुछ ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, कभी प्याज का कभी आम का कभी टमाटर का, तो ये वाली जितनी भी स्लाइड्स हैं इनका स्क्रीनशॉट इकट्ठा कर लीजिएगा आप लोग, इनको कॉपी पे लिख लीजिएगा, ये काम बहुत आएंगे आपको पेपर के लिए। हरियाणा के जो कृषि मंत्री है उनका नाम माननीय श्री जय प्रकाश दलाल है जो कि लोहारू से जीते हुए हैं, इस बात को भी आप लोग यहां से याद रखिएगा।
नेक्स्ट सवाल है कि श्री मोदी जी के जन्मदिन से कब तक सेवा समर्पण पर्व के तहत हरियाणा में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो सेवा समर्पण पर्व के तहत हरियाणा में अनेक कार्यक्रम जो है तय किए जाएंगे 7 अक्टूबर तक, 2 तारीख से ले, अभी जो मोदी जी का जन्मदिन था कब, 17 तारीख को था, ठीक है ना। तो 17 तारीख से लेके और 7 अक्टूबर तक जो है ना ये सेवा समर्पण पर्व हरियाणा में अनेकों अनेक कार्यक्रम होने वाले हैं, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना। और एक बात और याद रखना, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री जी, और इन्होंने 5600 करोड़ से जो कॉरिडोर बनने वाला है, कौन सा, हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, उसके शिलान्यास के लिए निमंत्रण दिया है। तो इसका जो शिलान्यास होने वाला है, इसका कार्यक्रम मानेसर पलवल या ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर मार्ग पर जो है ना आयोजित किया जाएगा, और 5600 करोड़ की लागत से ये कॉरिडोर बनेगा। इसका बेसिकली जो है ना शिलान्यास करने के लिए निमंत्रण दिया है मोदी साहब को। इतनी बातें आज के सेशन से आपको याद रखनी थी। और आपके लिए एक सवाल है कि हरियाणा सरकार का आम व बेर के नए बाग लगाने पर कितने परसेंटेज का अनुदान देने की घोषणा की है, 40, 30, 20, 50, बताइए विस्तार से। इसके बारे में कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।